हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीपी। इससे पहले अपन ने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म था एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, ऐसी सीरीज होती थी जिसमें हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर होता था, जैसे 2, 4, 6, 8 सब में 2-2 का डिफरेंस है, उसको अपन एपी बोलते हैं। जीपी वो सीरीज होती है जिसमें हर दो टर्म्स का रेशियो बराबर होता है, मतलब इसमें अपन को माइनस नहीं करना है, इसमें हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो रेशियो आएगा वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सीरीज हो गई 2, 4, 8, 16 डॉट। अब इसमें तुम देखो 4/2 करोगे तो 2, हमेशा बाद में से पहले वाले को डिवाइड करना। 8/4 2, 16/8 2। तो जैसे एपी में हर दो दो टर्म्स का डिफरेंस बराबर होता था, इसमें हर दो दो टर्म्स का रेशियो बराबर होता है। ऐसी सीरीज को अपन जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जैसे nth टर्म का फॉर्मूला एपी में पढ़ा था a+n-1 × d, उसी तरह से nth टर्म का फॉर्मूला जीपी में भी होता है। वो फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम देख लें एपी की फर्स्ट टर्म, इसको अपन ए से डिनोट करते हैं। जैसे इस सीरीज के लिए ए यदि मैं निकालूं तो 2 हो जाएगा। कॉमन रेशियो एपी में होता था कॉमन डिफरेंस, जो कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसमें होता है कॉमन रेशियो, रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 4/2 2। ये ए हो गया, ये आर हो गया। जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला होता है an = a r^n-1। ये फॉर्मूला होता है फॉर nth टर्म ऑफ जीपी। मतलब जैसे मान लो यदि अपन को फिफ्थ टर्म निकालनी है a5, तो हम उसको क्या लिखेंगे, a r^5-1 4 a r 4 फिफ्थ टर्म। सेवेंथ टर्म निकालनी है तो a r^7-1 6। मतलब इसको तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो कि यदि फिफ्थ टर्म है तो यहां 4 आएगा, तो जो भी r की पावर आएगी वो इससे हमेशा 1 लेस होगी, 1 कम होगी। सेवेंथ टर्म है तो यहां आएगा r की पावर में 6। टेंथ टर्म है तो r की पावर में 9। मतलब r की पावर में हमेशा वो नंबर आएगा जो यहां के नंबर से 1 कम होगा। ठीक है बच्चों, आगे आता समझ में। जैसे एपी में नहीं होता था कि जैसे फिफ्थ टर्म है तो उसको a+4d लिखेंगे, सिक्स्थ टर्म है तो उसको a+5d लिखेंगे, तो उसमें d के सामने वाला नंबर टर्म के नंबर से 1 कम होता था। वैसे इसमें जो r की पावर है वो टर्म के नंबर से 1 लेस होती है। अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, सीरीज दी हुई है 5/2 5/4 5/8 .. हमसे पूछा है कि इसकी 20th टर्म क्या होगी और पूछा है कि इसकी nth टर्म क्या होगी। हमें 20th और nth दो टर्म्स निकालनी है सीरीज की। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म दी हुई है 5/2 वो तो a हो गया, सेकेंड और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो निकल आएगा। a और r जब अपने को पता चल जाएगा उसके बाद फिर अपने को जो टर्म निकालनी है वो अपन nth टर्म वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चल देखते हैं, फर्स्ट टर्म a, तो a हो गया 5/2, कॉमन रेशियो निकाला r, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 5/4, नीचे 5/2 था, ये सॉल्व होगा तो 5/4 × 2/5, 2 × 2 = 4, ये 5 कट गया, r की वैल्यू आ गई 1/2, a पता चल गया, r पता चल गया। अब कौन सी टर्म पूछी है, 20th टर्म पूछी है, a 20th टर्म, मतलब a r^19, ठीक है, 20th टर्म है तो r की पावर में उससे कम नंबर रखते हैं। वैल्यू a रखा 5/2, r रखा 1/2 power 19, ये 5/2 ऐसे ही है,
वन की कोई सी भी पावर वन होती है, ये टू की पावर 19 हो गई, 5 1 5, 2 की पावर इन टू में पावर प्लस हो गई, 19 + 1 = 20, ये आ गई 20th टर्म ऑफ द सीरीज। आ गया समझ में? अब इसी क्वेश्चन में बोला है nth टर्म भी निकालनी है। अभी अपन ने 20th टर्म निकाली है, 2 की पावर 20 जो है इसका मतलब 2 को 20 बार इनटू करना है, वो बहुत बड़ा नंबर होगा इसलिए इसको अपन ऐसे छोड़ सकते हैं। कोई छोटी पावर होती जैसे 2 की पावर 3 2 की पावर 4 तो अपन सॉल्व कर लेते, लेकिन बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ा नंबर आने वाला है इसलिए इसको अपन ऐसे ही छोड़ सकते हैं। सेम क्वेश्चन में अब nth टर्म निकालनी है, arn-1 फॉर्मूला, a की जगह फर्स्ट टर्म 5/2, r था 1/2, पावर n-1। अब ये 5/2 ऐसे ही रहा, पावर को अलग अलग करा, 1 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n-1 ऐसा आ गया। 1 की कोई सी भी पावर 1 ही होती है, तो ये 1 इंटू 5 5 हो गया अपॉन, नीचे दो टर्म इंटू में है पावर प्लस हो जाएगी तो 2 की पावर, यहां 1 है और वहां n-1 है, इंटू में पावर ऐड हो गई 1 + n-1, 1 से 1 कट गया तो ये आ गया 5/2 to the power n। आ गई nth टर्म, बस यही अपना आंसर। आगे बच्चों समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 8th टर्म दी हुई है जीपी की 192, कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2 और पूछा है फाइंड द 12th टर्म। 8th टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, 12th टर्म अपन को निकालनी है। 8th टर्म 192 दी है, 8th टर्म मतलब क्या हुआ, ए आर टू दी पावर 7, ठीक है, ए 8 है मतलब आर की पावर में 7 है, तो ए आर 7 दिया है 192, आर कितना है 2, आर की वैल्यू रखी 2, a into 2 to the power 7 equal to 192, ये 2 to the power 7 नीचे जाएगा तो a हो गया 192 upon 2 to the power 7। अब 2 to the power 7 देखें कितना होगा, ये 192 ऐसे ही है, 2 to the power 7 मतलब 2 को 7 times into करना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है, 7 पावर थी इसको 5 और 2 में ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, तो 2 की पावर 5 हो गया 32 और ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 इतना आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें, 32 6 192 होता है, ये 6 टाइम्स कट गया, 6/4 बचा, 2 से काटा 3/2, तो a आ गया, a मतलब फर्स्ट टर्म पता चल गई 3/2, a पता है, r क्वेश्चन में दिया हुआ था 2, बस अब जो टर्म पूछी थी वो निकाल लेते हैं, हमसे पूछा है 12th टर्म, तो 12th टर्म मतलब ए आर 11 वैल्यू रख देते हैं, ए हमने निकाल लिया 3/2, आर हमें पहले ही पता था 2, उसकी पावर में 11 ये रख दिया, ये 3 ऐसे ही है, यहां 2 की पावर 11 है, नीचे 2 की पावर 1 है, जब दो टर्म्स डिवीजन में होती है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 2 की पावर हो जाएगी 11 - 1 = 10, 2 की पावर 10, ये 3 ऐसे ही है, 2 की पावर 10 को सॉल्व करना है, 2 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 का स्क्वायर, 5 * 2 = 10,
2 की पावर 5 होता है 32, ये हो गया 32 का स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर करके इंटू 3 करना, 32 का स्क्वायर होता है 1024। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 0 और ये 3, तो 3072 12th टर्म पूछी थी, आगे 3072 आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिफ्थ टर्म दिया जीपी की P, 8th टर्म दिया है Q, 11th टर्म दी है S, और हमें प्रूफ करना है Q स्क्वायर इक्वल टू PS। तो फिफ्थ टर्म दी हुई है P, फिफ्थ टर्म मतलब AR4, तो P की वैल्यू आ गई AR4। एट्थ टर्म है Q, एट्थ टर्म मतलब AR7, ये हो गया Q। इलेवेंथ टर्म है S, इलेवेंथ टर्म मतलब AR10, ये S। टू प्रूव हमें क्या करना है, Q स्क्वायर इक्वल टू PS, ये प्रूव करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले LHS अलग से निकालेंगे, RHS अलग से निकालेंगे, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो पहले हमने LHS निकाले, लेफ्ट हैंड साइड है Q स्क्वायर, Q की जगह Q की वैल्यू रखी AR7, उसका स्क्वायर है ये। तो ये जो पावर वाला वो 2 है वो दोनों में इंटू होगा, इसमें भी और इसमें भी। यहां पर एक ही पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, उसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया A स्क्वायर। R की पावर में 7 × 2 = 14, A स्क्वायर R 14, LHS आ गया। RHS निकालेंगे, RHS है P into S, P कितना है AR4 into S, S कितना है AR10। A into A हो गया A स्क्वायर, और इंटू में पावर प्लस हो जाती है तो R की पावर हो जाएगी 4 + 10 = 14। तो देखो LHS है A स्क्वायर R 14, RHS भी वही आ रही है, तो आ गया LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। यही अपन को प्रूव करना था, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जीपी दी हुई है 2 √2 4 ... पूछा है विच टर्म ऑफ द जीपी इज 128। हमें यह पता करना है कि 128 जो है वो इस जीपी की कौन सी टर्म है, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ कौन सी टर्म है, उसका नंबर अपन को पता करना है। तो सबसे पहले ए और आर देखेंगे, 128 क्या हो जाएगा इसमें, 128 है nth टर्म, ए एन, जिसका एन अपन को पता करना है, कौन सी टर्म का नंबर है वो अपन को निकालना है। तो ए हो गया 2, आर निकाला सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 2 से 2 कट गया, आर की वैल्यू आ गई √2। ए पता चल गया, आर पता चल गया, जैसे मैंने बोला था 128 है nth टर्म, तो ए एन है 128। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n की वैल्यू। अब अपन को पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 इक्वल टू में है 128। ए की जगह 2 रखा, आर की जगह √2 अभी रख दूंगा मैं, ये भी मैंने ए की वैल्यू डाली है, आर की जगह रखना है √2। √2 का मतलब 2 की पावर हाफ, आर है √2, √2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2। तो मैंने r की जगह रखा 2 की पावर 1/2, होल की पावर n माइनस 1 ऐसे ही है,
इक्वल टू 128, ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये 2 की पावर में 1/2 और n माइनस 1 आ रहा है, ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 × n-1/2, मतलब n-1/2, तो जो सेकेंड वाला 2 था उसकी पावर हो गई n-1/2 इक्वल टू में है 128। अब ये दो 2 इंटू में है, जब दो टर्म्स इंटू में होती हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, इस 2 की पावर कुछ नहीं थी मतलब 1 है और इसकी है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर हो जाएगी 1 + n-1/2 इक्वल टू में है 128। यहां एलसीएम लेके ऐड करा, यहां 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 एलसीएम हुआ, 2 इधर 1 इधर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 + n-1/2 इक्वल टू 128। ये हो गया 2 की पावर 2 - 1 1 + n/2 इक्वल टू में 128। अब यदि ये 2 की पावर है तो 128 को भी अपन सोचेंगे कि हम उसको 2 की कितनी पावर लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 5 अभी मैंने बताया था 32 होता है, तो 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 32 × 2 = 64, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 64 × 2 = 128, मतलब 128 आता है 2 को 7 बार इंटू करने पर, तो 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। ठीक है, यदि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि 128 को हम 2 की क्या पावर लिखें, तो तुम 128 के फैक्टर्स निकाल लो ऐसे 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 ऐसे, तो इस तरह से ये 2 2 2 2 आएगा 7 टाइम्स, तो पता चल जाएगा कि 128 होता है 2 to the power 7, वो लिख लिया अपने। अब बेस सेम तो पावर इक्वल, तो दोनों पावर्स को इक्वल करते हैं, तो 1 + n/2 = हो गया 7, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 1 + n की वैल्यू आ गई 14, ये 1 वहां जाके माइनस होगा तो n आ गया 14 - 1 = 13, तो n की वैल्यू पता चल गई, यही अपन को पता करना था, तो हमें पता चल गया कि 128 जो है वो इस सीरीज की 13th टर्म है। आ गया समझ में?